अफजान भाई, करेंसी एक्सचेंज का काम भी आपका? वो मैजिक में करते थे हम लोग, करते हैं अभी भी कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं। ठीक है, कोई वॉलंटियर 10-20 के नोट हो सर, एक सेकेंड वहाँ पास है बेटा, आ जाओ 10-20 के नोट ले। आपका नाम? हुदा शाहिद। अच्छा हुदा, आपके पास कोई नोट है? जी दीजिएगा मुझे। अच्छा जी, इस वक्त हुदा ने मुझे 100 रुपीज दिए। ठीक है सर, 100 सौ रुपए। ये मैजिक या इल्यूजन में काउंट होता है, मेंटलिज्म में नहीं। अगर अच्छा लगे तो बताइएगा, ठीक है। 100 रुपीज गिवन बाय हुदा। वाह। अच्छा, मेरे दोनों हाथ एम्प्टी हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मैं स्लीव से पुल करूँगा, ठीक है? ठीक है। तो मैं आपको सिखा रहा हूँ अम्बो मम्बो चिकन जम्बो, याद रखिएगा। अम्बो मम्बो चिकन जम्बो क्या है? 1000 कर दिया। निकालो सब पैसे, निकालो अबे पैसे लगाओ। ये मुझे रख रहे थे 2 करोड़ रुपए सर। हाँ, मेरा घर भी ऐसे ही चलता है। सो आपने मुझे 100 दिए थे, ताबिश ने कहा था कि आपको बड़ा नोट मिलेगा, बड़ा नोट आपके लिए। अरे वाह, थैंक यू सो मच। लाल भाई, इतना टेलीपैथी का काम भी जानते हैं? टेलीपैथी कर सकते हैं, उस चीज को हम नाम दे सकते हैं, क्योंकि आपके जहन से ट्रांसमिट करना दूसरे के जहन में या दूसरे का आपके जहन, ये हो जाएगा। कोशिश कर सकते हैं। तो मैं ऑडियंस मेंबर मैंने जमा किया हुआ है, बुलाए। आ जाओ भाई, आ जाओ, आ जाओ यहाँ, आ जाओ दोस्त, सेंटर में आ जाओ। नाम क्या है आपका? हसन। हसन जी। अब मेरा और तुम्हारा ताल्लुक बनने वाला है मेंटल। अच्छा, हसन आपका नाम है? जी जी। हसन, मैं ताबिश के पास जा रहा हूँ, आप इधर ही खड़े रहिएगा, बल्कि आप इधर ही आ जाएं सर। मैं आ जाता हूँ आपके पास। मैं इसमें कुछ, मैंने नोट पैड की ऐप के अंदर कुछ लिस्ट बनाई हुई है, ठीक है? आप मुझे 1 से 100 के दरमियान एक नंबर कॉल करें, कोई भी। बहुत जोर से बोल दो, बताएं। 57 चेंज करना है, 57 पर 57 ही रहूंगा मैं, जिद्द, मैं जिद्दी आदमी। पक्की बात है, ठीक है 57 पे आप देखें नोट पैड की ऐप। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ कैटेगरीज बनी हुई हैं। जी जी। फैमिली गिफ्ट आइडिया, बुक, सेलिब्रिटीज नेम, बेवरेजेस। तो हम जाएंगे लेट्स से सॉन्ग्स के ऊपर। सॉन्ग्स पर चले गए हम। अब देखें आप 57 नंबर पे कौन सा, बोलना नहीं है सिर्फ जहन में रखना है, ठीक है? कौन सा जहन में रहेगा? श्योर, बहुत। अब आप बैठिए। बैठ जाता हूँ। अच्छा, आपने अपना नाम क्या बताया? हसन। हसन, हसन ताबिश के इधर आप आइए, फेस वहाँ रखिए। ताबिश साहब के जहन में एक सॉन्ग इस वक्त चल रहा है, आप अपने जहन में गुनगुना रहे हैं, ठीक है? कोशिश करूंगा कि ताबिश भाई आपको वो ट्रांसमिट कर सके, ठीक है? आपने अपनी आंखें बंद करनी है और अपने दोनों हाथों से अपने कानों को बंद करना है, ये माइक इधर रख दें और मैं आपके जहन पे आंखें बंद रखनी है, ठीक है? अगर आपको कोई सेंसेशन सुनाई दे तो आपने सिर्फ उसको फोकस करना है कि वो सेंसेशन आपको क्या मैसेज दे रही है, ठीक है? मैं पागल हो जाऊंगा, पागल हो जाऊंगा। ट्रांसमिट करने की कोशिश करें, ठीक है? सेंसेशन फील हो रहा है? तो सुनाई दे रहा है? क्या समझ सकते हैं क्या है? ओके वेट, अब मैं आपसे बोलूंगा अपनी आंखें खोलें। अच्छा, आप ताबिश भाई, आपके सहन में एक सॉन्ग है, ठीक है? मेरे ख्याल से आप लिख लो तो ज्यादा अच्छा। हाँ, मैं लिख लेता हूं। ये लिखना चाहता हूँ, ये ले, बट ऑडियंस को ना दिखाइएगा या कैमरे में ना दिखाएं। इनफ, फिर कहाँ दिखाऊं? बट इनके जहन में एक सॉन्ग है, इधर, और अपने सीने से लगा लीजिएगा भाई लिखने का। पूरा नहीं लिखना था, ठीक है? आप मुझे बता सकते हैं कि आपको जो सेंसेशन सुनाई दे रही थी वो कौन सा सॉन्ग था? इश्क मुर्शिद। इश्क मुर्शिद का ओएसटी? जी जी, वो ओएसटी सॉन्ग था, उसमें म्यूजिक जो चलता है उसका वो था। वो आ रहा था दिमाग में आपके, क्योंकि लिखा भी वही है मैंने भाई। तेरा मेरा ये प्यार अमर। अफजाल भाई, आप आए शो में, बहुत मजा आया सर। थैंक यू सो मच। और आपने हमें ना सिर्फ सब मजा आया सबको। सर, उन 3 लड़कों को मजा नहीं आया है, वो प्राइवेट सेशन चाहते हैं। उनको कुछ अलग देखने, ठीक है? कौदिर आजाद, जाने से पहले हम करते हैं कमाल की बात। कौदिर आजाद, इंसान को हर वक्त हर सिचुएशन में ऑप्टिमिस्ट रहना चाहिए, यानी कि पॉजिटिव माइंडेड रहना चाहिए। पोलैंड का एक गांव है सर, जहां पर लोगों के घर पे छतों में चिमनियों का धुआं जो है वो धब्बे छोड़ जाता है, काले रंग के धब्बे।
तो एक शख्स ने जब वो काले रंग के धब्बे अपनी छत पर देखे तो उसने कहा ये बुरे लग रहे हैं, तो उसके इर्द गिर्द कुछ लकीरें बनाई और फूल का शेप दे दिया। दूसरे घर वालों ने देखा तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा आइडिया, और देखते ही देखते उस गांव के तमाम घर की छतों पर फूल बने हुए थे, और वो तस्वीर भी हमारे साथ मौजूद है। इस तरह का वो पूरा गांव है और अब पोलैंड का एक टूरिस्ट हब है। हम अपनी ताकत पाकिस्तान की, जो हमारा कल्चरल हेरिटेज है वो हजारों साल पुराना है, और अफसोस की बात यह है कि इतना सारा हेरिटेज होने के बावजूद एक स्टडी भी मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान में आखिर है क्या क्या। लोग अपनी हम अपनी ताकत को नहीं पहचान पा रहे और लोग अपनी कमजोरी को ताकत बना रहे। तो अपनी ताकत को पहचानिए, और अगर ताकत को पहचान नहीं पा रहे तो अपनी कमजोरियों को ताकत बना लीजिए।